इतना ही बोलना चाहेंगे हम कि भारत जिंदा था, भारत जिंदा है और भारत जिंदा रहेगा। सौ करोड़ से ऊपर जाएगी बस पठान का रिकॉर्ड तोड़ना और कुछ नहीं, और जय श्री राम। लेकिन पठान का तो ऐसा कहा जाता है फेक कलेक्शन है ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, फेक है, हम रियल वाला करेंगे ना। सो हे गाइस, माय नेम इज रवि चौधरी और आप देख रहे तेरी मेरी बातें। दोस्तों इस समय मैं इंडिया गेट के बाहर हूँ और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके बीच बॉलीवुड खबरें लेकर आता हूँ। और मेरे साथ मौजूद कुछ युवा लोग, जानते हैं उनके इंटरेस्ट लेवल कैसा, उनका बॉलीवुड में कैसा इंटरेस्ट है। और अभी जैसे आप सभी को पता है कि अभी बॉलीवुड के अंदर अभी अजय देवगन की नई फिल्म भोला भी आ रही है और गदर 2 को भी फैंस लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो जानते हैं इनके विचार क्या है। सो अभी गदर 2 का ही पोस्टर आया हुआ है, तो आपके हिसाब से गदर 2 का क्या रिएक्शन है? बहुत अच्छा रिएक्शन है। क्या लगता है, आपने गदर 1 देखी है? देखी है, जरूर देखी है। क्या लगता है गदर 2 फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी 2023 की? बहुत। आपके क्या रिस्पॉन्स? बस पठान का रिकॉर्ड तोड़ना और कुछ नहीं, और जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम और पठान का रिकॉर्ड तोड़ना है। बिल्कुल, पठान ने तो पहले दिन ही अपनी ओपनिंग लगभग ऐसे कोई बात नहीं, हम दिखा देंगे और हिंदू की पिक्चर आ रही तो दिखा देंगे। लेकिन पठान का तो ऐसा कहा जाता है फेक कलेक्शन है ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, फेक है, हम रियल वाला करेंगे ना। तो आप कहना चाह रहे हो हम रियल कलेक्शन करेंगे? कितने करोड़ कमा लेगी ये? पठान से ऊपर जाइए, 2 दिन में रिकॉर्ड तोड़ देगी। दो दिन में रिकॉर्ड तोड़ देगी, ऐसा कॉन्फिडेंस, इतना लेवल, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस बोल रहे हो आप? बस कट्टर हिंदू है इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, कट्टर हिंदू है, हिट करवा दी पठान ऐसे बोल के। तो आप गदर 2 को हिट करवा के मानोगे? बिल्कुल, पहले दिन में पहला शो देखने जाएंगे जी। पहले दिन में पहला शो, क्या बात है। आपके क्या विचार है गदर 2 को लेकर? क्या लगता है गदर 2 ब्लॉकबस्टर साबित होगी 2023 की? बिल्कुल होगी थी, बिल्कुल होना ही होगा, वो अभी से ही हो जाएगी। बस उसका ट्रेलर वगैरह प्रोमो आगे बढ़ जाए और भी चीजें, गदर 2 होनी ही होनी है। गदर 2 क्या लगता है, पहले दिन की ओपनिंग, क्योंकि पठान ने 55 करोड़ कमाई थी, तो ये पहले दिन 55 करोड़ से ऊपर जा पाएगी? ये 100 करोड़ से ऊपर जाएगी। 100 करोड़ से ऊपर जाएगी, सनी देओल पाजी जो है वो दिल में है, पहली बार हेडपम्प उखाड़ा था, अब की बार कुछ और ही गदर करके दिखाएंगे। इस बार तो उन्होंने पहिया उखाड़ के फेंका है, पहिया भी उखाड़ के फेंका है, औरों को भी उखाड़ के फेंकेंगे धीरे धीरे। क्या बात है। गदर 1 का पहला पार्ट देखा आपने? गदर 1 का पूरा पहला पार्ट देखा है। गदर 2 के लिए एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इतना ही बोलना चाहेंगे हम कि भारत जिंदा था, भारत जिंदा है और भारत जिंदा रहेगा। क्या बात है, गदर 2 के लिए आप? बस गदर 2 के लिए इतना ही है कि सनी पाजी तो जरूर, जो पहले था एक्सपीरियंस, उससे दुगने मूवी जो आएगी वो दुगनी उसमें ब्लॉकबस्टर होगा, बस इतना ही। और सॉन्ग भी बहुत अच्छे थे गदर 1 के, तो हाँ, इस बार जुबिन नौटियाल गा रहे हैं, तो कैसा रहेगा? वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छा गाते, तो मुझे यकीन है कि अब जो मूवी में जो गाने होंगे वो भी सुपर हिट होंगे, ब्लॉकबस्टर मूवी होगी। पठान देखी थी आपने? नहीं नहीं, इग्नोर करते हैं। अब गदर 2 को लेके एक्साइटमेंट है। यस, गदर 2 2023 की ब्लॉकबस्टर साबित होगी।